आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। लालू के बेटे तेज प्रताप ने बनाई लालू राबड़ी मोर्चा पार्टी। ससुर के खिलाफ लड़ने का किया ऐलान। ससुर को राजद का टिकट मिलने से है नाराज। भाजपा और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की धड़कनें तेज। मंगलवार को उठ सकता है पर्दा। राम टहल ने फूका बगावत का बिगुल। शुरू किया अपना चुनावी अभियान। ईचागढ़ के 4 प्रखंडों में चलाया जनसंपर्क अभियान। एक बार फिर इरफान के बगावती सुर। कहा चतरा में फ्रेंडली फाइट तो गोड्डा में क्यों नहीं। कांग्रेस जिंदा कर रही है झाविमो को। भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दों को मिलेगी जगह। दोनों दलों में घोषणा पत्र को लेकर हो रही है माथापच्ची। आज की राजनीतिक हलचल। चतरा पलामू और लोहरदगा के लिए नामांकन मंगलवार को। सुबोध कांत ने भी बाबा भोले के दरबार में हाजिरी लगाई। चंद्र प्रकाश ने गोमिया प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। सुधीर त्रिपाठी बने JPSC के अध्यक्ष। फेसबुक ने कांग्रेस के 687 पेज हटाए। पाक सेना के 103 अकाउंट भी किए बंद। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। ससुर चंद्रिका राय को राजद का टिकट मिलने से नाराज। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोमवार को लालू राबड़ी मोर्चा पार्टी का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका मोर्चा और राजद एक ही पार्टी है, लेकिन तेज प्रताप ने शिवहर और जहानाबाद लोकसभा सीट की मांग की। उन्होंने खुद अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ सारण सीट पर उतरने का ऐलान किया। तेज प्रताप ने कहा कि भाजपा के लोग उन्हें और तेजस्वी को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार स्टैंड लेता हूं तो पलटता नहीं हूं। मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। चंद्रिका राय को राजद से टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि सारण से किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया। हमारी इच्छा है कि माँ राबड़ी देवी यहाँ से चुनाव लड़े। यहाँ से मेरे पिता लालू प्रसाद कई बार चुनाव लड़कर जीते हैं। छपरा हमारी पारंपरिक सीट रही है। तेज प्रताप ने कहा कि महागठबंधन में कोई 3 सीट मांग रहा है तो कोई 5। मैं 2 सीट मांग कर कौन सी गलती कर रहा हूँ। पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए जी जान से लगा रहता है वैसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया। मैं तो सिर्फ जहानाबाद और शिवहर में 2 कार्यकर्ताओं के लिए टिकट मांग रहा हूँ। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे संभावित प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होती जा रही है। कारण भाजपा ने 3 सीटों के अलावा कांग्रेस और झामुमो ने भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। मंगलवार को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद है। महागठबंधन में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस और झामुमो के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। इन दलों ने रविवार की रात ही घोषणा की है कि 2 अप्रैल तक प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। वैसे महागठबंधन में शामिल झाविमो ने कोडरमा से बाबूलाल मरांडी और गोड्डा से प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं राजद ने चतरा से सुभाष यादव और पलामू से घुरन राम को सिंबल दे दिया है, जबकि राजद को महागठबंधन की ओर से एकमात्र सीट पलामू दी गई है। इससे भी पेच फंसा है। वहीं भाजपा भी रांची चतरा कोडरमा को लेकर चल रहे सस्पेंस पर विराम लगा सकती है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किए जाने के आसार हैं। प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने से दावेदारों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। नित नई चर्चा और नए नए उभरते नामों से लोगों का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इससे भी दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। रांची के निवर्तमान सांसद राम टहल चौधरी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि वे हर हाल में रांची से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना भी मंजूर है। राम टहल चौधरी ने रांची से भाजपा के प्रत्याशी के नाम की घोषणा से पहले ही अपनी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। वह लगातार अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को राम टहल चौधरी ईचागढ़ पहुंचे और जनसंपर्क अभियान शुरू किया। उन्होंने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंडों का दौरा कर लोगों से संपर्क साधा। जनसंपर्क अभियान शुरू कर उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को खुली चुनौती दे दी है। राम टहल के मुताबिक रांची सीट पर उनकी जाति के करीब 5 लाख वोटर हैं। लोगों के बीच उनकी अपनी पहचान है। ज्यादातर स्वजातीय लोगों के साथ उनका पारिवारिक संबंध है। ऐसे में जनता का उन पर पूरा भरोसा है।
रामटहल की माने तो वे कभी विवादित नहीं रहे और बैनर से जीत हार तय नहीं होती है, इसलिए चुनाव तो लड़ेंगे चाहे निर्दलीय ही सही। लोगों के बीच पहुंचने पर उन्होंने भाजपा नेतृत्व की जमकर आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने यहां अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी ने उसे दगा दे दिया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। चतरा संसदीय सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली चुनाव होने की संभावना को देख कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर बगावती तेवर अपना लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलती है कि वह खुद को मारकर मरे हुए जेवीएम को जिंदा करने में लगी है। जब चतरा में फ्रेंडली फाइट हो सकती है तो गोड्डा में क्यों नहीं, पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। बतौर इरफान, गोड्डा में जेवीएम के प्रदीप यादव का हारना तय है, जबकि उनके पिता फुरकान अंसारी को टिकट मिलता तो उनकी जीत पक्की थी। अल्पसंख्यक कांग्रेस के इस कदम से नाराज है। गोड्डा सीट को अल्पसंख्यकों का गढ़ बताते हुए इरफान ने कहा कि यहां के लोग केवल कांग्रेस नहीं बल्कि महागठबंधन के लिए एग्रेसिव पोलिंग करते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि अगर चतरा में फ्रेंडली चुनाव होता है तो हर हाल में गोड्डा में ऐसा ही चुनाव होना चाहिए। उनके मुताबिक अल्पसंख्यकों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस को गोड्डा में फ्रेंडली फाइट पर विचार करना चाहिए। इधर प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि महागठबंधन के तहत यह फॉर्मूले का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इरफान और फुरकान अंसारी की पीड़ा को जायज ठहराया और कहा कि बड़े मकसद के लिए महागठबंधन बना है। बता दें कि गोड्डा सीट से कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी टिकट चाहते थे, लेकिन यह सीट जेवीएम के पाले में चली गई। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। झारखंड में कांग्रेस और भाजपा अपने घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दों को भी शामिल करेगी। चुनावी मैदान में घोषणा पत्र को हथियार बनाने में जुटी कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए महिला सुरक्षा, आतंकवाद और आदिवासी हितों को मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा महागठबंधन की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर लोगों को लुभाने की कोशिश होगी। झारखंड में महागठबंधन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। साझा वॉर रूम के साथ साथ चुनाव प्रचार भी साझा होगा। इधर भाजपा ने भी कांग्रेस सहित महागठबंधन के संभावित घोषणा पत्र के मद्देनजर विकास और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर पलटवार करने की रणनीति बनाई है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी घोषणा पत्र में जिक्र होगा। मंगलवार को झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसी के साथ राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएगी। इसको देखते हुए कांग्रेस और भाजपा दिल्ली और रांची में घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं क्षेत्रीय दल रांची में मैनिफेस्टो पेश करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। चतरा, पलामू और लोहरदगा के लिए नामांकन मंगलवार को। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार से सियासी तापमान बढ़ जाएगा। झारखंड में पहले चरण के तहत 3 संसदीय सीटों चतरा, लोहरदगा तथा पलामू के लिए मंगलवार से नामांकन शुरू होगा। इनमें से चतरा सामान्य, लोहरदगा एसटी और पलामू एससी के लिए आरक्षित सीट है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर 9 अप्रैल तक नामांकन होगा। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यहां 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। सुबोधकांत सहाय ने भी बाबा भोले के दरबार में हाजिरी लगाई। देवघर बाबा मंदिर में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। खास बात यह रही कि सुबोधकांत सहाय ने एक आम व्यक्ति की तरह बिना किसी वीआईपी सुविधा के कतार में खड़े रहकर पूजा की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन 2004 का इतिहास न सिर्फ दोहराएगी बल्कि उसे भी तोड़ेगी। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, यही भोले बाबा से कामना की है। चंद्र प्रकाश ने गोमिया प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। मंत्री एवं गिरिडीह से राजद प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को गोमिया प्रखंड के गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से मिले। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर कहा कि हमारी चाहत गिरिडीह संसदीय क्षेत्र को विकास के मामले में आगे ले जाने की है। उसी उद्देश्य के तहत लोगों से मिल रहा हूं। इस इलाके में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो ने लोगों से राजद उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में गोल बंद होने की अपील की। सुधीर त्रिपाठी बने जेपीएससी के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया है। सोमवार को कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
अधिसूचना में कहा गया है कि सुधीर त्रिपाठी पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 62 साल की आयु प्राप्त कर लेने तक अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष का पद प्रभार में चल रहा था। प्रभारी अध्यक्ष के रूप में एके चट्टोराज पद स्थापित थे। फेसबुक ने कांग्रेस के 687 पेज हटाए, पाक सेना के 103 अकाउंट भी किए बंद। फेसबुक ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े 687 पेजों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि अप्रामाणिक व्यवहार के चलते देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से जुड़े इन पेजों को हटाया गया है। फेसबुक ने संभवतः पहली बार इस तरह का एक्शन लिया है जब किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े पन्नों को हटाया गया है। फेसबुक ने साफ किया कि इन पन्नों को उसमें प्रकाशित सामग्री अप्रामाणिक जानकारी के चलते हटाया गया। कंपनी ने कहा कि उसने पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग से जुड़े 103 पन्नों को भी हटाने का फैसला लिया है। इनका संचालन पाकिस्तान से ही होता था। दुनिया भर की कई अथॉरिटीज ने फेसबुक पर राजनीतिक लाभ के लिए फर्जी जानकारियां फैलाने वाले अकाउंट्स पर एक्शन लेने का दबाव बनाया था। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।